अमृतसर में मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने रैली निकाली, पुतला भी फूंका। पुणे से दिल्ली आ रही दुरंतो ट्रेन में छात्रा से छेड़छाड़, बाथरूम में पहुंचकर लड़की ने जान बचाई, सूबेदार गिरफ्तार। तूतीकोरिन हिंसा के खिलाफ तमिलनाडु में लेखकों पत्रकारों का प्रदर्शन, हिंसा में 13 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग, अब तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। एक हफ्ते से लगातार जल रहे हैं देवभूमि के जंगल। दिल्ली के बाड़ा हिंदू राव हॉस्पिटल से नवजात बच्ची चोरी, चेकअप के बहाने बच्ची को लेकर भागी महिला, सीसीटीवी की मदद से आरोपी की तलाश। महाराष्ट्र के पालघर और गोंदिया में कल होगा लोकसभा चुनाव, कड़ेगांव विधानसभा के लिए भी डाले जाएंगे वोट। पालघर उपचुनाव में बीजेपी पर पैसे बांटने का आरोप, उद्धव ठाकरे ने जारी की मुख्यमंत्री फडणवीस की ऑडियो क्लिप। आरोपों पर मुख्यमंत्री फडणवीस की चुनौती, कहा आरोप लगाने वाले चुनाव आयोग के पास जाए। महाराष्ट्र के बुलढाणा में NH6 पर हादसा, ट्रेवलर और ट्रक की टक्कर में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में शिकारी के जाल में फंसे तेंदुए को बचाया गया, शिकारी की तलाश कर रहा है वन विभाग। नवी मुंबई ने घरों में सेंधमारी करने वाले 2 बदमाशों को पकड़ा, 4 महीने में 17 घरों की लाखों की चोरी। दिल्ली में इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर ठगी का बड़ा खुलासा, 5 लोग गिरफ्तार, अब तक 184 लोगों को शिकार किया। पुणे से दिल्ली आ रही छात्रा से दुरंतो एक्सप्रेस में छेड़छाड़, आरोपी सूबेदार संजय कुमार गिरफ्तार।